अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है माश की दाल, जो नाश्ते में बनाते हैं और बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो मैं अभी नाश्ते में ही बना रही थी, तो मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो माश की दाल मैं दो टाइप की बनाती हूँ, एक टमाटे वाली एक और एक बग़ैर टमाटे वाली। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटे वाली माश की दाल, तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए मैं वही बनाती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, माश की दाल को मैं धो के एक आधा घंटा भिगने रख दी थी। तो मैं इसमें धो के एक गिलास पानी इसमें ऐड करी। अब मैं इसमें डालूँगी, ये टमाटे हैं मीडियम साइज़ के टमाटे, एक टमाटा है ये मीडियम साइज़ का। और इसके बाद मैं डालूँगी लाल मिर्ची, देखिए लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आप कम ज़्यादा खाते आपके हिसाब से आप डाल लीजिए। और ये है हल्दी, तो बस यही डालना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको गैस पे रख दूँगी। देखिए दाल को मैंने अभी गैस पे रख दिया है, मैं इसको तीन सीटियाँ होने दूँगी। तीन सीटियाँ हो गए बाद मैं इसको उतार दूँगी। देखिए दाल अगर आप क्या करें, अगर भीगने अगर आप दाल डालें तो वो जल्दी गल जाती, अगर आप नहीं भीगने डालें तो वो थोड़ा टाइम लगता। बस यही रहता दाल भीगना और ना भीगने का वजह। तो बस मैं इसको क्या करूँगी और तीन सीटी दूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। देखिए हमारी माश की दाल अच्छी तरीके से गल गई है, मैं इसको लगाऊंगी बगा। तो देखिए हमें माश की दाल बगाने के लिए क्या चाहिए, आधी मुट्ठी कोथमीर ली हूँ मैं, आधी मुट्ठी पुदीना है, चार हरी मिर्ची, सॉरी एक हरी मिर्ची है जिसके चार पीस करके रखी हूँ मैं, और हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और मीडियम साइज़ की प्याज है। देखिए तेल भी मेरा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। बिस्मिल्लाह। और इसके बाद मैं साथ ही साथ क्या डालूंगी इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरीके से हिला लूंगा। वैसे जैसे आपको मैं मीठी दाल जो बताई थी ना, जैसा बताई थी ना, उसको कैसे इस तरीके से बगार देना है, बस इसको भी इस तरीके से ही बगार देना है। और अभी मैं दाल में नमक नहीं डाली, मैं दाल में नमक भी डालूंगी। देखिए अगर आपकी दाल अगर थोड़ी भी अगर गल गई, मतलब थोड़ा गल गई अच्छी तरीके से, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माश की दाल बहुत टेस्टी और अच्छी छोटी। आप ये मत समझिए मेरी दाल गल गई पूरी अच्छी तरीके से गल गई तो ख़राब हो जाएगी, कुछ भी ख़राब नहीं होती, अच्छी छोटी आपकी माश की दाल। तो देखिए प्याज भी, प्याज का कलर भी अच्छी तरीके से थोड़ा हल्का चेंज हो गया। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, हरी मिर्च जो है, हरी मिर्ची बताई थी ना मैं, तो हरी मिर्च इसमें डाल दें, और कोथमीर पुदीना वगैरह भी मैं डाल दूँ इसमें। इसको भी अच्छी तरीके से हिला दें। आप अगर इस तरीके से दाल को बगा देंगे ना, यकीन मानिए आपकी दाल सोंधा सोंधा टेस्ट आता है आपकी दाल में, मतलब अच्छा टेस्ट आता वो। आपको इस तरीके से हिलाते रहना है, देखिए तो देखिए कलर चेंज हो रहा है आपका। तो देखिए आप इस मोमेंट पे गैस आपका ऑफ कर देना है, क्यों बोलते आपका तेल, ये जो तेल है ना ये गर्म रहता, इसमें आपकी जो प्याज है ना और अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाती, मतलब बादामी कलर की हो जाती। तो देखिए हमारी प्याज एकदम हो गई है रेडी। अब मैं क्या करूँगी, दाल में मैं नमक नहीं डाली थी, तो नमक डालूँगी। तो देखिए दाल एकदम अच्छी तरीके से गल गई, देखिए अब इसमें मैं क्या डालूँगी, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी जो मैं दाल का जो बगार करी थी ना वो डालूँगी।
बनाइए, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। नाश्ते में तो ख़ासतौर पर रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो देखिए अब मैं इसको साफ करिए, अगर आप इसके ऊपर घी भी अगर डाल के खाएंगे ना, घी डाल के खाइए, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का दिखता। देखिए हमारी माश की दाल एकदम टेढ़ी हो गई।